सचिन, नाम सुनते ही याद आने लगते हैं क्रिकेट का भगवान, लेकिन हम आपको मिला रहे हैं एक बिल्कुल अलग सचिन से। जिनके हाथ में बल्ले की जगह है ऑटो रिक्शा और गेंद की जगह होती है सवारियां, जिन्हें वो मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोनों सचिन समर्पित हैं अपने अपने खेल के प्रति। आप कहेंगे ये तुलना बेमानी है, पर कोई नतीजा निकालने से पहले जरा ठहरिए। ये सचिन भी देश के लिए ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जरूरतमंद को मंजिल तक पहुंचाते हैं। मानवता को समर्पित काम ही सचिन शर्मा को दूसरों से अलग करती है। दिल्ली NCR के भीतर चाहे कितनी भी दूर सफर क्यों ना तय करनी पड़े, ये जरूरतमंद और हालात के मजबूर लोगों को अपनी ऑटो रिक्शा से मुफ्त यात्रा कराते हैं। ये सुबह से लेकर देर शाम तक जीविकोपार्जन के लिए ऑटो रिक्शा चलाते हैं। काम के दौरान कोई जरूरतमंद मिल जाए तो वो उसकी निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। इस दीवानगी के पीछे दया, करुणा और मानवीयता की भावना है और इसी पेट्रोल से उनके जीवन की गाड़ी चल रही है। मुझे हॉस्पिटल जाना था, एक ऑटो वाले भैया ने मुझे मिले और मुझे फ्री में मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, उन ऑटो वाले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन को इस बात का इल्म है कि दिल्ली महानगर में यात्री खुद को अनसेफ और असहाय महसूस करते हैं, और जब भी बलात्कार, गैंगरेप और अपहरण जैसे कुकर्मों में गाड़ी चालकों, ऑटो चालकों या किसी टैक्सी चालक की संलिप्तता की खबर आती है, ये पूरी तरह दुखी हो जाते हैं। सचिन दिल्ली को इस तरह के कलंकों से मुक्त होता देखना चाहते हैं। ये नारी का सम्मान, देश का सम्मान, महिलाओं के सम्मान के हेतु और उनको सुरक्षित सुविधा हेतु मैंने अपनी ऑटो से ये सेवा प्रदान की है। रात के 12 बजे कोई सवारी लेडीज परेशान होती है, पैसे नहीं होते हैं। सचिन के ऑटो में सवारी करने वाली महिलाएं भी सचिन के काम, व्यवहार और सोच की प्रशंसा करती हैं। सचिन जैसे ऑटो ड्राइवर अगर हर जगह मिल जाए, कभी भी रात में ट्रैवल करना हो या कभी भी ट्रैवल करना हो तो हम लोगों को कभी डर नहीं लगेगा। तो इनको मैं बहुत थैंक यू कहूंगी और ऐसे लोगों को बहुत प्रेस करूंगी। सचिन ने पिछले एक साल में सैकड़ों लोगों की मदद की है, चाहे वो गरीब हो या हालात का मारा कोई संपन्न व्यक्ति, महिला या पुरुष। सबको इन्होंने जरूरत पड़ने पर अपने ऑटो से मुफ्त में सेवा दी और उनको उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाया। सराय रोहिला स्टेशन के पास हम उतरे, यात्री के तौर पे हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे और हमारे पास जेब में पैसे नहीं थे। उस समय इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और रात को करीब 1 बजे रात को इन्होंने हमें सेक्टर 10 में ला करके छोड़े और ड्रॉप करने के बाद इन्होंने पैसा नहीं लिया। तब से मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हूँ। सचिन के ऑटो को देखकर तो आपको अंदाजा लग चुका होगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान को प्रमोट करने में भी जुटे हैं। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की राह पर चलते हुए सचिन के ऑटो में डस्टबिन हमेशा आपको मिलेगा और इसका एक बड़ा मकसद है। सर, मेरा मानना है सोच बदलो देश बदलो। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ अभियान चलाया तो मुझे वहाँ से एक सीख मिली कि मैं भी देश के लिए कुछ, अपने सिटी नोएडा के लिए, दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ। और उसमें मैं अपनी पैसेंजर को भी ये सलाह देता हूँ कि कुछ भी खा पी के रोड पे ना फेंकें, पीछे गाड़ी के पीछे लगा हुआ डस्टबिन में ही डालें, जिससे कि हमारी सिटी साफ और स्वच्छ बनेगी, बीमारी मुक्त बनेगी। सचिन तेंदुलकर की ही तरह सचिन शर्मा भी मल्टीपल टास्क लेते हैं, एक एक पल का सदुपयोग करते हैं। अपने जैसे ऑटो रिक्शा चालक भाई हो या फिर यात्री, सबको नशे से दूर रहने की सलाह देते हैं और इसके फायदे भी बताते हैं। फायदे कि जितने जीवन में पैसे नहीं बचा पाते हैं हमारे ऑटो वाले भाई, उतने की दारू पी जाते हैं। अगर आप नशे में ऑटो चला रहे हो, एक्सीडेंट होगा या सवारी बैठी वो भी चोटिल हो सकती है। सचिन का ऑटो रिक्शा बिल्कुल अप टू डेट है। ऑटो रिक्शा पर स्वच्छता अभियान और नारी सम्मान के स्लोगन तो लिखे मिलेंगे ही, साथ ही ऑटो रिक्शा में लोगों के लिए वाटर कंटेनर, डस्टबिन से लेकर अग्निशामक यंत्र तक लगा हुआ देख सकते हैं। सचिन का दूसरे ऑटो चालकों ने शुरू में कम मजाक नहीं उड़ाया। कोई इसे दिखावा कहता तो कोई सचिन को पागल समझता, लेकिन अब धारणा बदल रही है। अब तो प्रशासन के लोग भी सचिन के नेक काम के कायल हो चुके हैं। जैसे आप कर रहे हैं ऐसे औरों को भी शिक्षा दीजिए, औरों को भी मतलब ये करिए कि जो है मैं ऐसा ही, जैसे मैं हूँ ऐसे औरों को आप भी जो है बनाएं।
और उसमें किसी प्रकार की भी कोई मदद की जरूरत होती है तो हम तैयार हैं। सचिन एक और उदाहरण है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच किसी काम को और इंसान को बड़ा बनाती है। वाकई सचिन की सोच और उनका काम बेमिसाल है, कमाल है।